हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टुडेस बायोलॉजी क्लास तो इन द प्रीवियस क्लास डिस्कसिंग अबाउट द फोर्थ डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम दैट इज द दिमनोस्पॉम्स तो हम लोगों ने जिम्नोस्पॉम्स का जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है वो डिस्कस किया है हैव सीन देयर बॉडी स्ट्रक्चर we have seen their uh, uh, different type of features which are present and how they are different from the pteridophyte group is a paleoologo group features a different and how they have certain similarities with the angiosperms the group which comes after gymnosperms so this we have discussed already in the previous class today we'll discuss basically about the reproductive mechanism that takes place in gymnosperms so as I have already told you, that gymnosperms are very unique kind of plant group that evolved just prior to that of the angiosperms. So they also have uh, the reproductive mechanism which has certain similarity to that of the angiosperms. So today we will discuss about the reproduction in case of gymnosperms. So let us begin, students. The first property is as it is mentioned here.

which is called as the strobili or also known as the cones now the spores which are produced they can be of two types they can be microspores which are the uh, male spore and the megaspore which are the female spore

Are male ठीक है तो जिस स्ट्रोबेरी में माइक्रोस्पोरोफिल होगा वो मेल होता है सो दिस वी ऑलरेडी नो माइक्रो वर्ड एसोसिएटेड मेल तो ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ नाउ दिस इज हाउ टू लुक लाइक तो ये एक पिक्चर uh, है ऑफ ए मेल स्ट्रोबेरी तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सेंट्रल एक्सिस ऑफ स्टेम है उससे बाहर की तरफ निकला हुआ है स्पाइरली स्पायरली इट इज स्पाइरली अरेज अराउंड दिस एक्सिस एंड देर कोन लाइक

जनरली ये स्पोर होते हैं जब वो जर्मिनेट करते हैं जब वो ग्रो करते हैं देवल इंटू गैमेटोफाइट इंटू द गैमेटोफिको हेयर यून की जनरेशन डेवलप फ्रॉम दिल माइक्रोस्पोर इट हैज ओनली लिमिटेड सेल्स एंड द रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट इज कॉल्ड एस पोलन ग्रेन नाउ यू सी हेयर यू हैव ए सिमिलैरिटी विथ द एंजियोस्पॉम्स और द्लावरिंग प्लांट्स तो जो रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट होता है उसको हम लोग पोलन ग्रेन बोलते हैं एंड दिस पोलन ग्रेन इज़ आल्सो द मेल गैमेट इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स सो इट इज ऑल्सो पोलन ग्रेन इन केस ऑफ एंजियोस्पम्प वेर इज द कोस विच बी आर द मेगा स्पोरो विथ ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजियम आर कॉल्ड एज फीमेल स्ट्रोबेली और मैक्रोस्पोरोजिएट ना ये वर्ड आप लोग याद रख लीजिए मैक्रोस्पोरोजियट बिकॉज मैक्रोस्पोरेन्जियम होता है उसमें मेगास्पोरेंजियम द वर्ड मेगा और मैक्रो दोनों का मीनिंग सेम ही होता है विच मीन्स लार्ज ठीक है तो आप उसको मेगा स्पोरेंजियम बोलते हैं उसका जो ओव्यूल होता है और इनका जो स्ट्रक्चर uh, होता है द फीमेल स्ट्रोबेली उसको बोला जाता है मैक्रोस्पोरेन्जियट

तो हिली एरियाज में जो सीडार पाइन इस टाइप के प्लांट्स ग्रो करते हैं उनका ये फीमेल स्ट्रॉबेरी बहुत कॉमनली ग्रो करता है ठीक है सो दिस इज अबाउट द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड देयर स्पोर्स नाउ द spore which is there it contains a cell called as megaspore mother cell which differentiates into nucellus tissue और उसमें पहले डिफरेंशिएट होकर कुछ एक मास ऑफ सेल बनाता है जिसको न्यूसेलस सेल बोला जाता है ना यूल फाइंड ये जो न्यूसेलस सेल हम लोग बोल रहे हैं वील सी दैट दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दम्स तो ये भी उनके साथ सिमिलैरिटी है और उसके ऊपर प्रोटेक्टिव एनवलप डेवलप करेगा एंड इट विल हैव एन ओव्यूल बट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट विल नॉट डेवलप एन ओवरी देयर विल बी अ प्रोटेक्टिव एनवलप बट देयर विल नॉट बी एन ओवरी ओके सो द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली टू फॉर्म फोर मेगास्पोर्स तो मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करता है मियोटिकली एज वी नो म्यूटिसिस इज द रिडक्ഷണल डिवीजन And uh, once it divides by reductional division, it will have four cells which are called as megaspores. One of the Megaspore enclosed within the megasporangium, which uh, is made up of nucellus tissue, develops into multicellular female gametophyte. So unma se egg cell. Now remember, H is both important. Hai. उसके चार मेगास्पोर फॉर्म होते हैं लेकिन चारों में से तीन डिजेनरेट कर जाएंगे थ्री विल विल डिजेनरेट, एंड ओनली वन डेवलप इन टू ए मल्टी सेलूलर स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज द फीमेल गैमेटोफाइट दैट बियर्स टू और मोर आर्की और द फीमेल सेक्स ऑर्गन सो आर्कीगोनिया दिस वर्ड इज रिलेटेड टू द टेरिडोफाइट ओके मैं आपको पहले ही बोला था कि इनका एसोसिएशन थोड़ा बहुत के साथ है थोड़ा फाइट के साथ है सो हियर यू विल फाइंड कि इनका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप करता है दैट इज व्हिच मल्टी सेल्युलर फीमेल गैमेटोफाइट ओके फिर से रिपीट करता हूं स्टेटमेंट मेगास्पोर मदर सेल विल डिवाइड म्योटिकली टू फॉर्म फोर मेगास्पोर्स आउट ऑफ दैट थ्री मेगास्पोर विल डीजेरेट वन ऑफ द मेगास्पोर विल बी एनक्लोज विद इन

ठीक है द मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रोबेली मे बी बोर्न ऑन द सेम ट्री दिसरी इंपोर्टेंट पॉइंट कभी कभी मेल और फीमेल कोन एक ही ट्री में हो सकते हैं आर कॉल्ड एज और द दोजाम्पल हो गया आपका पाइनस पाइनस और पाइन जिसे बोला जाता है पाइन कोन कॉमनली टर्म एज तो ये प्लांट्स में दोनों एक साथ होता है मतलब मेल स्ट्रोबेरी एंड फीमेल स्ट्रोबेरी विल फाइंड इन द सेम प्लांट

प्लांट्स विल बी देयर जहां पे एक में मेल होगा तो दूसरे में फीमेल स्ट्रॉबेरी होगा तो उस हिसाब से आप मोनोइसियस डायसियस वर्ड को याद रख सकते हैं इसका कॉमन एग्जांपल होता है साइकस साइकस का एक मेल स्ट्रॉबेरी वाला प्लांट मिलेगा आपको और एक फीमेल स्ट्रॉबेरी वाला दोनों एक साथ नहीं होंगे ठीक है सो दट इज अबाउट काइंड ऑफ ओरियंटेशन यू कैन से विच आर सीन इन प्लांट्स आदर बाइसेक्सुअल दैट इज मोनोइसियस और यूनिसेक्स

फोलोइंग फर्टिलाइजेशन दूब्रियो एंडल इन टीड बट नो फ्रूट ओके तो इनका फर्टिलाइजेशन होने के बाद जैसे ही मेल पोलनग्रेन आके आपके फीमेल ओव्यूल के साथ फर्टिलाइज करेगा एक्सल के साथ फर्टिलाइज करेगा तो वो जायोट में डेवलप कर जाएगा सिंगल सेल कॉल्डोट ना दिस जायगोट विम एन एम्ब्रियो एंड दिस एम्ब्रियोलपल डेवलप इन टू ए सीड But as because there is no ovary, no fruit formation take place. Or in seed hota naked and that is the reason these are called as gymnosperms. This we have already discussed in the initial class. So, students, this is about the reproductive mechanism in case of gymnosperms. In the next class, we will move on to the next group that is the angiosperms. Thank you. Thank you, everyone.